गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरी वीडियोस को देखने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। रोज रोज क्या बनाएं, क्या खाएं, कैसे बनाएं, सादा खाना बिल्कुल फ्री में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पेमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी भलाई होगी। आप एक बार बना के खा के देखिए, लगातार वीडियोस देख के मुझे अच्छा लगता है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं कि कैसे सादा खाना बना सकते हैं बिना ज़्यादा मसाले और घी तेल के। तो बने रहिए चैनल पर, मैं आपको अपनी रोज़ रोज़ रेसिपी दिखाती जाऊंगी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर देखें, स्पेशल खाना बनाना सीखने के लिए, सिंपल सिंपल। और मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी वाला पुलाव, आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले डाला है मैंने तेल, मेरे को बनाने हैं 1.5 कप चावल। तेल में डाला है थोड़ा सा हींग, जीरा, प्याज और तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची। आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हैं, मैंने लहसुन नहीं डाला है। और अब मैं डालूंगी इसमें ये सारी सब्जी, पहले आलू, कैप्सिकम और बीन्स। मैंने इसमें आलू और बीन्स और मटर डाली है, ये थोड़ा पहले डाल दिए। और कैप्सिकम, टमाटर और ये इसका मसाला बनाया है मैंने। थोड़ा सा दही लिया है 2 चम्मच, इसमें थोड़ी हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला डालना है। धो के रख दिए, ये भी इसी में जाएंगी। सीमेंट के हिसाब से पानी डाल के कुकर में सीटी आने का इंतजार करें, गैस को फुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। तो अब कर रहे हैं इसमें सीटी आने का इंतज़ार, पसीने पसीने हो रही हूँ मैं रसोई में। टेस्टी पुलाव करो दोबारा। तो आज है हमारे यहाँ पे शराद, और मैंने सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी आज खाना बन गया है। और खाना ब्रेकफास्ट एक ही है हमारा आज। तो मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाया सिंपल आलू की सब्जी, आलू टमाटर और खीर, पूड़ी और खीरे का रायता। तो अब मैं करती हूँ अपनी सासू माँ के श्राद्ध की तैयारी। उनको पूड़ी पकवान बहुत पसंद था, बट बीमारी होने की वजह से बाद में बंद कर दिया था। लेकिन अब श्राद्ध में तो हम बनाएंगे ही, तो आज मैं बनाऊंगी, भिगोऊंगी छोले और देखूंगी अगर बन गई तो जल्दी से एक सब्जी और खीर पूड़ी बनाऊंगी। तो अभी मैं तैयारी करूंगी, आपको दिखाती हूँ। कल की तैयारी में मैंने भिगो दिए हैं छोले, सुबह में बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और बिना लहसुन प्याज के छोले बनाने के लिए ये मेरे उबले हुए छोले हैं, रात भर भिगो के इनको उबाल लिया है अच्छे से। और ये लिए टमाटर की ग्रेवी बनाई है, इसमें लिया मैंने 8 टमाटर। इसमें डाला है 2 चम्मच भर के सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंठ, गरम मसाला, लाल मिर्च और आप जो मसाले चाहें वो डाल सकते हैं। छोंकने के लिए आज मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, इसमें डालूंगी तेज़पत्ता, हींग, जीरा और बड़ी इलायची। पहले मैंने डाला है तेल, उसके बाद वो सूखे मसाले और टमाटर के साथ ग्रेवी में जो सब मसाले डाले थे उसको डाल के इसको थोड़ा सा भुनेंगे, अच्छे से उबाल लेंगे इसको। अगर आपको चाय की पत्ती डालनी है तो डालें, ये तो मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट बनाना है मुझे। इसको अच्छे से उबाल लेंगे ग्रेवी को। इसमें कसूरी मेथी डाल के गरम मसाला, इसकी ज़रूरत लगे आप डालो, अदरवाइज़ पहले डाल चुके हैं, एकदम बढ़िया हो गए हैं। ये बनाया मैंने खीरे का रायता, दही, खीरा, लाल मिर्च, सूखा पुदीना, हींग और भुना हुआ जीरा। तो ये बनाया जी हमारा खाना, छोले, रायता, खीर और पूड़ी, बहुत ही टेस्टी है। बच्चे बता रहे हैं, अभी मैं खाने जा रही हूँ। जब भी शराद होता है मन से खाना बनाते हैं, बिना लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी छोले बने हैं। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे हैं, आप भी खाइए। तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है शराद का खाना, लेकिन जब बहुत दिन हो जाते हैं करते हुए तो ये उत्सव की तरह हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा खाना बनाते हैं और बच्चे प्यार से खाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध के खाने को। तो मैं भी बड़े मन से बनाती हूँ, अच्छा अच्छा बना है।
और करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। क्या बनाती हूँ मैं कल नेक्स्ट शराब में, गुड बाय। और मेरा स्पेशल सजेशन है, अपनी मर्जी के सामने दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें। बाय बाय।